श्रीमान रामचंद्र भगवान की। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। काम सिर्फ इतना है तुमको जगाना है, भगाना भी नहीं। और एक बात और, तुम बात गांठ बांध लेना कि तुम अगर हमसे नहीं मिल पाए तुम घर चले भी गए और तुम सोचो कि अब हम नाराज हैं, अब हम जाने वाले नहीं, गुरुजी मिले नहीं, तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम हमारा पीछा छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ने वाले, वरना आए क्यों? और आए हो तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ घर पर, टीवी चालू करना, हम संस्कार पे मिलेंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे देखना, मोबाइल चलाओगे हम रील में घुसे आएंगे। तुम रील बंद करोगे यूट्यूब चलाओगे हम यूट्यूब पर आएंगे। तुम यूट्यूब बंद करोगे फेसबुक चलाओगे हम पोस्ट बन करके आ जाएंगे। अगर तुम वो भी बंद करोगे हम तुम्हारे नगर में कथा करने आएंगे। रुको हिंदुओ, अगर तुम वो भी बंद कर दोगे तुम सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे। फिर तो तुम भी कहोगे चल मन मांगे सोधा। इसलिए मेरे पागलों, एक बात बहुत पते की आप समझ करके तुम घर जाना कि हम तुम्हें भगाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। और जब तक तुम्हारे जीवन में हनुमान जी की भक्ति जाग नहीं जाएगी, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का बरद हस्त नहीं बन जाएगा, जब तक तुम्हारे माथ पर हनुमान जी का हाथ नहीं रख जाएगा, तब तक हम शांति के साथ नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरे पागलो, तुम बहुत भाग्यशाली हो और हम तो है ही, तुम हो ये तुम्हें मानना चाहिए। हम हैं कि हमें भारत जैसा वतन मिला, मनुष्य का तन मिला। इसलिए मेरे पागलों, आज के दिवस आप जो भी जानने आए, जिज्ञासा लेकर आए, बहुत सपने देख करके तुम आते हो हमारे पास कि हम जाएंगे, गुरुजी हमारे बाप का नाम बताएंगे, हमारी लुगाई का नाम बताएंगे, हमारे कांड बताएंगे, हम आपको बताएं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हारे मन की बात बताना हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे द्वारा तुम्हारी मन की बात बताना ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है। हनुमान जी का प्रसाद है, बालाजी का प्रसाद है, वो हमें प्रेरणा देते हैं और हम बोल देते हैं। और वर्तमान समय में केवल भारत में ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़े बड़े विज्ञानिकों ने, बड़े बड़े महान लोगों ने बड़े बड़े पैमाने पर खोजा जाना, बड़े बड़े कैमरे लगाए, बड़ी बड़ी शोधें की, ठटरी के बड़े पोल खोलने आए और अपनी खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है, यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। लेकिन मेरे पागलो, हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, केवल मन की बात बताने से, पर्चे बनाने से देश का भला नहीं होना है, ना देश का भला होना है, ना देश का कल्याण होना है। इसलिए एक बात तुम पते की सुन लो, देश का भला तो तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति परम हनुमान भक्त बनेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति साधना करेगा, जब प्रत्येक व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को समझेगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्म में उतरेगा, जब प्रत्येक व्यक्ति बागेश्वर धाम सरकार बनेगा, तभी भारत विश्वगुरु बन पाएगा।
इसके लिए तुम्हें हनुमान भक्त बनना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें खुद साधक बनना पड़ेगा। हमारे बताई हुई चीजों से तुम्हारा कितने दिन भला होगा, हम तुम्हारी मन की बात बता भी दे, तुम्हारे पर्चे बना भी दे, कितने दिन भला होगा, क्योंकि तुम्हारी मुसीबतें कभी कम नहीं होनी है। आज पेट दर्द है तो कल तुम्हारा सिर दर्द होगा, परसों तुम्हारा पड़ोसी दर्द करेगा, पर तुम्हारी लुगाई दर्द करेगी। तुम कब तक आओगे, कब तक तुम धक्के खाओ, कब तक तुम पर्चे बनवाओ, कितने तुम दरबारों में जाओ, और कब तक तुम तांत्रिकों के चक्करों में, मैजिक के चक्कर में पड़ोगे, कब तक तुम जादूगरियों के चक्कर में पड़ोगे, तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे, तुमने कभी सोचा, तुम कब तक बिखरोगे, तुम कब तक रोओगे, तुम कब तक चिंगारोगे, तुम कब तक अपना मजाक बनवाओगे, तुम कब तक दर दर ठोकरें खाओगे, तुम कब तक नियम करोगे, तुम कब तक उपाय करोगे। कभी तो ऐसा पाने की कोशिश करो कि जिसको पाने के बाद कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। कभी तो तुम ऐसी पाने की चेष्टा करो कि जिसको पाने के बाद कभी चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए। कभी तो ऐसा पाने का प्रयास करो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी अंधविश्वास में ना भरे, तांत्रिकों के चक्कर में ना जाए। अगर तुम सच में चाहते हो भारत के लोगों कि तुम्हें ऐसा कुछ पाना है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना ना पड़े, तुम सच में चाहते हो हमें ऐसा कुछ प्राप्त करना है कि जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त ना करना पड़े, अगर तुम सच में चाहते हो ऐसी कृपा मिल जाए कि तुम्हें दरबार में पर्चा बनाने की जरूरत ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसको पाने के बाद तुम्हारी आने वाली भी पीढ़ियां भी अंधविश्वास में ना धक्के खाए, तो एक ही उपाय है, उठो जागो, अपने दीपक स्वयं बनो और स्वयं साधना करके स्वयं हनुमान जी के चेला बनो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब तुम पूछोगे साधना कैसे करनी है, तो जोड़ लो दोनों हाथ, अपने घर में पूजा मंदिर में एक बालाजी का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ और दीपक जलाकर शांत बैठो, अंधेरे में उजाला सिर्फ दीपक का होना चाहिए, या तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात्रि काल में साधना करो। समय नहीं है तो दिन में भी कर सकते हो, एक छोटा सा प्रयोग तुम घर पर कुछ दिन करके देखो, फिर तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या घटित होने लगा, फिर तुम देखना कि तुम्हें दरबारों में जाना अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात हम तुम्हें पते की बता भी दे, बुरा मत मानिएगा, आप हमारे अपने हैं और हम तुम्हें जगाने आए। इस भारत में आज तक भोले भाले हिंदुओं को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते हैं। इस भारत में आज तक भोले भाले हिंदुओं ने चादर चढ़ाई और फादर के पास जाकर के कैंडल जलाए, हम भारत के लोगों को स्वयं कैंडल बनाना चाहते हैं, स्वयं मिसाल बनाना चाहते हैं। हम भारत के युवान बच्चों में छोड़ो 3 बार ले अपना नकल यार, पर इतने साउंड ही साउंड आ रहा है, वागो पढ़ से हम हनुमते नमः। दादा गुरुवे
पूर्वे नमः। मनी मन प्रणाम करें बालाजी को, सन्यासी बाबा को, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। आप इन तीन मंत्रों की माला रोज एक एक माला प्रारंभ कर दो, दीपक जलाकर बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, पूजा मंदिर में प्रातः काल, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार या पांच महीने में एक बार बागेश्वर धाम की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ लौट के कभी तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। जाओ तुम जो पाना चाहोगे वो पा जाओगे। और ये साधना हमने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम्हें दरबार, देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। अगर तुम होना चाहते, क्या सच में तुम बालाजी की कृपा पाना चाहते? जोर से बोलो, पक्का की कच्चा, जोश में की होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए सोच लो, पक्का पक्का पक्का। जाओ हम भी वचन दे रहे हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी तीन बातें मानोगे हैं? सही में पक्का? पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, हमने मूर्ख आदमी, गांव के गवार पागल आदमी मूर्ख आदमी। अरे रंतो दे माता, नरक में प्लास्टिक के कीड़ा ना पड़वा दिए थे, हमारे चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? अरे कैसे पड़ेगी, हलीला पड़ेगी, बड़े बदमाश लोग। अच्छा दूसरी बात मानोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके तुम धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दे। देखो देर तो लगेगी, समय लगेगा धाम पर, बागेश्वर धाम में समय लगता है, पर समस्या को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज के बाद नियम का पालन प्रारंभ करना, बालाजी के बंकर के रहना। दूसरी बात और हम बता दें, पर दरबार प्रारंभ करें, क्योंकि तुम लोग तो दरबार के चक्कर में बैठे हो, चाहे जितने प्रवचन सुना दें, हम कितना भी तुम्हें बता दें तुम्हें मानने दो, गुरु जी नमो नाम बताओ, हमारी सुन लो, गुरु जी पर्चा कब बनेगा? ठटरी के बड़े, अगले जन्म में बनेगा। अरे गुरु जी हम 10 बार आ गए। अरे तुम आए हो क्या? बालाजी ने तुम्हें बुलाया है, थोड़ा तो धैर्य रखना। अच्छा अब एक बात और मजेदार, तुम्हारी एक समस्या हो तो हम भैया निपटा दें। चलो भाई एक बात बोलो, जाओ एक बात सुनो, जाओ एक बात सुनो, जाओ एक बात, गुरुजी शादी कब होगी? बेटा 2026 में हो जाएगी। गुरुजी किससे होगी? अरे प्राण ना खाओ, लड़की से ही होगी। अब जाओ दूसरे कहना, गुरु जी लड़की से तो होगी, गोरी होगी कि काली होगी? अरे बेहतरीन होगी यार, काय को दिमाग खराब। जाओ दूसरे कहना, गुरु जी कहा रहती है? चंद्रमा पे। अब जा दूसरे का नंबर, गुरु जी सही बताओ कहाँ रहती? बंबई में। मुंबई में तो बहुत भीड़ रहती है। मुंबई में कहा? नाला सुपारम, नाला सुपारम। गुरु जी क्या नाम? चंद्रमुखी। अब जा गुरु जी, चंद्रमुखी नाम की तो बहुत होगी, बाप का नाम और बता दो। अच्छा बाप का वह नाम बताने काम। अब जा दूसरे के, गुरु जी शादी अच्छी रही? फिर बिजनेस
फिर मकान, फिर बाद में भगवान। आदमी के प्रश्न कभी खत्म, तुम्हारे भी खत्म। तो उपाय बता दें हम, हर समस्या का समाधान केवल बागेश्वर हनुमान। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसलिए तुम लोगों को वो बागेश्वर धाम की जय, इसीलिए तुम लोगों को जगाने के लिए हमने प्रण लिया है, बागेश्वर धाम से ओरछा तक हम पैदल यात्रा करेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पैदल चलेंगे। आप लोग भी तैयारी कर लो, हिंदुओं को जगाने के लिए चलना ही चलना है। भारत हिंदू राष्ट्र की। बस ये बातें हैं। अब जिन्हें अब दरबार शुरू करते, बहुत देर हो गई, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है, अपने मूल प्रश्नों को पूछना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। हे काली माता कहाँ चली आ रही तुम? अरे वो तो विराजमान हो जा, नहीं तो धरती फट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी उखड़ पड़ेगी। माता बैठ जा, लेडीज कौन क्या बुराई है, माताएं ही तो बनेंगी लक्ष्मी बाई। बिल्कुल जा सकती हूँ। हाँ तौलिया कह बेटा, तो हमारी पूरी गृहस्थी ले ले। रामचंद्र भगवान की। अब जिन्हें बुलाएं उन्हीं को आना, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, देखकर भरोसा। हाँ हम ले लेंगे राखी, अभी थोड़ी देर बैठा दरबार लग जाएंगे। दो माता आज विराम को दरबार है, आज अच्छे से लग जाएंगे। अच्छा बात समझ आ गई सबको, नियम समझ आ गए, जिंदगी भर के लिए कौन कौन जुड़ना चाह रहा। एक और भाई आग लग, बालाजी से पक्का की कच्चा, जोश में की होश में। अच्छा आशीर्वाद। तो बैठ बैठ, मेरे पाव में टिक बदे इतनी जीत कर रहा है, तुम ऊपर से वजन दे रहा क्यों? एज मेरी 60 साल से बेटा। ये जो सामने में टोपी लगाए हुए बालक है बाएं हाथ पे, आगे आगे हाँ, आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। मैं लगा टोपी आ जाऊंगा। ये नीली टोपी लगाए जो आ रहे हैं, इनको भी प्रवेश कराना। राम साधु जी, बालाजी को झाड़ा लगना है, दादाजी को जाना है। आ जाओ दादाजी, हम झाड़ा लगा दें। मुट्ठी बांध लो दोनों। इसके बाद दोनों दंपति नेपाल वाले बैठे हुए हैं बाएं हाथ के कोने में, दोनों लोग आ जाओ। आइए आपकी अर्जी स्वीकार है, आइए। साधु जी, गुरु जी, महेंद्र नाम के भैया पीछे की तरफ में खड़े हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ आगे की तरफ आओ, अर्जी स्वीकार है। ये पीली तौलिया डाले, आप यहां से प्रवेश कर जाए जी। ओ नमः सन्यासी
सन्यासी ज्यादा ही ठंडी है, कंबल की जरूरत है। पूछो क्या लिया? पानी पानी। हाँ पूछो, कुछ ना तुम्हें पढ़ा, हमने लिख लिया है। पानी लो, पानी पानी। हाँ, पूछो जल्दी पूछो, इतना समय नहीं है। पानी लो, पानी पानी पानी। हाँ क्या होगा? पानी 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 लो, पानी 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 लिखी हुआ। इंग्लिश आया है, घर में प्रेम काढ़ा की हैरानी, स्वप्न गंगे सबको दिया बना। जब से जुड़े तब से जय जय हो गई, वाह। जैसी तुम्हारी बालाजी ने सुनी वैसी सबकी सुनी। पढ़ो, तुम्हारे परिवार पर कृपा बनी रहेगी, चिंता ना करें, घर में सुख शांति रहेगी, माताजी पर भी कृपा रहेगी, वह आगे चल कर के तुम्हारा बड़ा भवन योग बन जाएगा, आशीर्वाद है। एक जमीन का सौदा भी करना है, वो भी होगा। जय सियारा। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की जय, न्यासी बाबा की जय, दरबार की जय, पार्वती फतेह हारे हारे। दरबार के कवि में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा अनुसार आगे की अर्जी, सन्यासी बाबा आ जाओ दादा। हाँ दादा खड़े हो जाओ, तो तौलिया सिंदूरी कलर का कुर्ता पहने, गोमुखी डाले, तौलिया डाले, दादाजी आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ हाँ आओ जी आओ। बिहार साधु जी बालाजी पहली बार आए बिहार, घर बात कौन बात का डर बात आज नहीं है, चलना भाई क्या ऐसे समय पर नहीं आ पाते हम आप नहीं किसी बात अंदर तुम जाके किसके बगल में शरण करे नहीं आ। बोलो क्या सवाल है? और कोई बात? घर में बहुत कलेश होता, 10 साल से हैरान है, तुमको दिमागी दिक्कत बनी, चक्कर आ जाते हैं, झटका बनता है, ब्रेन में समस्या है, शरीर पर भयंकर प्रभाव पड़ता, दवा असर नहीं करती है, लोग पागल कहने लगे हैं,
जिस कारण से बहुत ज्यादा टेंशन और बढ़ गई है। आपने अर्जी लगाई, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, प्रयोग किया गया है, तंत्र कट जाएगा, वह पूर्णतया ठीक 1.5 साल के अंदर धाम से हो जाएंगे, आशीर्वाद है। चलो टोपी वाले दादाजी को भेज दो, आप वहीं रहो, केवल दादाजी भगवान बीच में मंत्रो को हमें अपना कार्य कर लेने दो, कृपा करके आप कृपा करके आप कृपा करके आ जाओ ताऊ, चढ़िया चढ़िया मंजिल पे। कहाँ से बाबा, कहाँ से अब आई भाई, बैठो। राजस्थान, पहली बार आए हो, इधर नजदीक आ जाओ, जाओ 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 साथ में है वो, आ जाओ भैया साथ अभी तुम्हारी एग्जाम एक सौ नौ परिक्रमा लगाए, क्या समाधान चाहते हैं पूछो। क्या है पिताजी जी, ऐसा आया इनके परिवार में लड़ाई बहुत मची, छोटे बच्चे की चिंता है, बेटे को लेकर के ये परेशान है, मानसिक दिक्कत उसको बन गई है, पागलों जैसी हरकत करता है, मेडिसिन दवा चल रही है, नींद की दवा चल रही है, लेकिन आराम नहीं लग रहा है, बहुत परेशानी 2018 के बाद बढ़ गई है, उसके ऊपर पीर मुसलमानी विद्या का प्रयोग किया गया है, जिस कारण से वह पागल हुआ है, परिवार के ही सदस्य ने किया है, जा उसकी दवा छूट जाएगी, पागलपन ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। कई बात एकदम सही, कोई संदेह इनसे पूछ लो, बराबर बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। दवा असर कर रहे हैं, पहले हमें उसका फोटो या उसको लाना पड़ेगा, और मंगलवार को तीन मंगलवार को चूल्हा चढ़ाना, बालाजी सिंदूर सरसों के तेल और उन्हीं के चरणों का जल छोटे वाले बच्चे को उनके पिलाना, उसके प्रभाव से हम यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जाओ बालाजी लीला करेंगे,
दिया हुआ वचन कटेगा नहीं, उनका पागलपन चलो चलो आगे चलो आगे चलो।